मक्खन लगाने से ना सेब और नरम हो जाता है। हाय, मुल्तान में तो चाय में मूली डाल के खा लेता था। जाने किसकी वजह कि मेरी तो भूख ही मर गई है। यार बताओ ये कैसा आदमी है, मैंने सिर्फ दो चार और 7 अंडे रखे हैं, ये नहीं पता कि किसी ने नाश्ता करना होगा। ज्यादा अंडे ले आऊंगा दाद से, 2 दर्जन ले आऊंगी, मिट्टू को भूख लगेगी, मिट्टू खा लेगा। ये कौन सा सालन है जिसे पर्दा करा रहे हैं, देख लेता हूँ अभी। कहते दही खाने से जिंदगी लंबी होती है। आड़ू यहाँ रखे हैं और बड़े सेब भी, कोई ऐसी बात नहीं। अंग्रेज भी सुबह जूस ही पीता है, तभी तो गोरा चिट्टा है। अभी तो बहुत गर्म है, जितनी देर ये ठंडे होते हैं मैं ओह नहीं भाई नहीं, कभी किसी ऐसे घर में वर्जिश नहीं करनी जहां रोटी पूरी ना हो। बताओ ओहो, ये थोड़ा सा चलो कुछ आसरा तो हुआ। अब आप आज पराठे बनाएंगी ना, लस्सी पराठे खाऊंगा। ये 3 चीजें ही बची हैं, मेरा ख्याल आमिर के लिए छोड़ देता हूँ, वो भी खाएगा, पर वो तो दोस्ती है, ये जन्नत का फल वो कहाँ से खाएगा, मैं ही खा लेता हूँ। छुट्टी का दिन नहीं होता है कि नाश्ता बंदा सारा टका के करता है, और मिट्टू के उठने से पहले तो कर लेना चाहिए, वरना वो कुछ नहीं छोड़ता। फायदा जल्दी लाओ नाश्ता। ये लो जी, कर लो नाश्ता, ये लो। ये नाश्ता है, ये क्या मजाक है? मजाक मजाक तो हमारे साथ हो रहा है। रात को पूरी डबल रोटी और 4 किलो दूध आया था, और अब चूहों को डालने के लिए भी डबल रोटी नहीं है। क्या मतलब, कहाँ गई ये सारी चीजें? वाह वाह, क्या आला सवाल किया है। ये जो हमारे घर में एक डायनासोर फिर रहा है ना, वो खा गया सारा राशन। अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि वो मिट्टू का बच्चा सब कुछ खा गया रातों रात? शुक्र है कि समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। एक बात बता रही हूँ, या तो इस घर में वो रहेगा या मैं रहूंगी, और अगर वो रहेगा तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। बस तुम यहीं रहोगी, वो जाएगा, तुम क्यों जाओगी? फायदा एक तरीका है, क्या? हम नकली जिन भूत बन के उसे डराते हैं, वो डर के भाग जाएगा। नकली जिन भूत बन के डराते हैं, वो तो असली से भी नहीं डरता, वो तो जिनों का राशन भी खा जाता है, उससे तो चुड़ैलों के बच्चे भी पनाह मांगेंगे। लेकिन उसकी कोई तो कमजोरी होगी, किसी चीज से तो डरता होगा। तुम बस किसी तरह ना भाभी से पता करवाओ उसकी कमजोरी क्या है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन याद रखना ये मेरी आखिरी कोशिश होगी, और अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। बस
तुम यहीं रहोगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, वो ही इंशाल्लाह जाएगा। तुम जाके भाभी से जरा पूछो, चलो जाओ। शाबाश, ठीक है, मैं अभी बता करती हूँ। मिठू बेटा, तेरा तो अब मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। भाभी, अरे फायजा, आओ आओ। अरे आप अकेले कितना काम करती हैं। वैसे मिठू भाई ने एक ज्यादती की है, आए थे तो अपने साथ बीवी बच्चों को भी ले आते। वैसे मिठू भाई के बच्चे कितने हैं? बच्चे तो कोई भी नहीं हैं। उनकी कोई औलाद भी है? अरे नहीं भाई, अभी तो उसकी शादी नहीं हुई है। उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई। वैसे एक बात है, अगर उनकी टाइम पे शादी हो जाती ना तो आमिर जितने कम से कम 3 बच्चे होते उनके। हाय, क्या बताऊं तुम्हें फायसा, बैठ। बस मिठू का यही एक मसला है, शादी के नाम से तो मिठू भागता है। जानती हूँ, मुल्तान में भी यही हुआ। अम्मी शादी के लिए जिद कर रही थी, लो जी जहाँ शादी की बात हुई नहीं कि मिठू साहब वहाँ से भाग खड़े हुए। अच्छा, तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? क्या मतलब? अरे भाई, इसमें बताने वाली कौन सी बात है? नहीं नहीं, अब मेरा मतलब है कि शायद इस परेशानी में हम लोग आपकी कोई मदद ही कर देते। अरे छोड़ो फायजा, सारे मुल्तान ने कोशिश कर देखी लेकिन मिठू शादी के लिए मानता ही नहीं है। पता है, जब भी कोई शादी की बात करता है ना, मिठू उससे लड़ झगड़ कर उसे बोलना, मिलना, बात करना छोड़ देता है। और हाँ, मिठू के सामने शादी की बात ना करना वरना वो भाग खड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे। अच्छा, मुझे ना आमिर को नाश्ता देना है, मैं जरा चलती हूँ। ठीक है। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, किसी चैनल पे पाकिस्तानी गाने ही नहीं आते, क्या हो गया? आमिर 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 आमिर, खबरदार मुझे कोई ऐसी खबर सुनाई कि उस दोस्त ने फिर कुछ खाने की चीज खत्म कर दी है। ओहो, इस मुसीबत को घर से निकालने का हल मिल गया। सच्ची? हाँ। फटाफट मुझे कोई तरीका बता दो, जो भी तुम्हें पता चला है। मैं जल्दी जल्दी उसे इस घर से बाहर देखना चाहता हूँ, जल्दी बताओ। एक मिनट रुको, एक मिनट। क्या? बताओ भी सही। हेलो सायरा, कैसी हो? ओके, बाय बाय, सी यू। ये तुम सारा को क्या कह रही थी कि जल्दी से आ जाओ, मुझे कोई काम करना है, बस कोई ड्रामा करना है कोई, ये क्या है? हाँ हाँ, मुझे भाभी से पता चला है कि मिठू शादी के नाम से भागता है। मैंने अपनी फ्रेंड सारा को बुलाया है, वो उससे मोहब्बत का ढोंग रचाएगी, फिर उससे शादी का कहेगी और मिठू घर से भाग जाएगा। अच्छी बात है। हाँ। सारा को जल्दी से फोन मिलाओ, उसे कहो आ जाए। ओहो, कर दिया ना फोन, में कोई जादू का नहीं थोड़ी कि डम से आ जाएगी। आ रही है, इंतजार करो। मिठू के बच्चे, हमने तेरा तोड़ निकाल लिया है। आप कौन है और किससे मिलना है? हो सकता है मुझे आपसे ही मिलना हो। लो, मैं कौन सा शाहिद अफरीदी हूँ जिससे मिलना है ऑटोग्राफ लेने? मैं तो मिठू हूँ, मिठू। हाय, आप किसी मासूमियत पे तो मैं फिदा हो गई हूँ। पर आप हैं कौन जो खाम खास साइमा बनकर मुझे सैयद नूर समझकर मुझ पे फिदा हो रही है? लो, न जान ना पहचान और मैं तेरी आपा जान, अपना तारुफ तो कराएं। आपा आपा, व्हाट नॉनसेंस, मुझे आपा वापा मत कहो। आप उससे छोटी हैं इसलिए कह रहा हूँ, वरना तो अम्मी जान कहता। प्लीज स्टॉप इट, फायजा किधर है? अच्छा, तो आप छोटी आपा से मिल, तो दिखा दो। आप अंधी हैं, आपको रास्ता दिखा दूं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ। तुम तो खुद 200 रुपए वाला गोलगप्पा हो। लगता यही वो नमूना है जिसके लिए फायजा ने मुझे बुलाया। करती हूँ इसका बंदोबस्त। सारा, हम तो रास्ते में आंखें बिछाए बैठे। डोंट वरी, अब मैं आ गई हूँ और मैं अपने मुंडे से मिल भी चुकी हूँ। बस अब तुमने उसे अपनी मोहब्बत की झूठी वादी मिले जाकर शादी की खाई में धक्का देना है। हाँ।
वो सब तो हो जाएगा, पर देख लेना कहीं वो शादी के लिए मान ही ना जाए। बेफिक्र हो जाओ सारा, वो खाने के अलावा हर चीज का मुनकर है। बस तो फिर ठीक है, अभी से मोहब्बत का नाटक शुरू। चलो तुमने तो मेरा त्राही निकाल दिया, तुम इंसानों के चुड़े एकदम से हाजिर हो गई हो। मैं तो मोहब्बत में डूबी हुई इंसान हूँ और अपने साजन का इंतजार कर रही हूँ। साजन, ये जहाँ तुम फिर रही हो ना, इतना इतना मच्छर फिर रहा है यहाँ पे, अगर उसने काट लिया ना तो ना मोहब्बत बचेगी ना इंसान बचेगा, सिर्फ डेंगी रह जाएगा। अपने साजन के लिए तो मुझे ये भी मंजूर है। तो मुझे क्या, यहाँ बैठ के करती रहो। 26 के बाद नहीं, आज तो 10वां है। अच्छा छोड़े, मैंने आपको ये बताना था कि मिट्ठू आया हुआ है। हेलो हेलो, ये मिट्ठू का नाम सुनकर बंद कर दिया या कोई मसला हुआ? शौकत पीना, आपा आपा कहाँ हो? मिट्ठू आपा किधर हो? बहुत बोलो तो सही, यहाँ बैठी हो क्या? है ये हमारे घर में औरत कौन आई है? औरत? कौन सी औरत? वो जो छोटी आपा से मिलने के लिए आई है। अरे वो उसकी सहेली है, मिलने के लिए आई है उसे। वो जब से आई है ना, मुझ पर मुसलसल डोरे डाल रही है। लगता है उसने कभी कोई खूबरू लड़का नहीं देखा। क्या अब साथ कोई खूबरू लड़का भी आया है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ। बचपन से तेरी झूठ बोलने की आदत ना गई मिट्ठू। आपा, उस लड़की को जाके अपनी जुबान में समझा दो कि मुझसे लव स्टोरी चलाने की कोशिश ना करे, वरना 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 क्या? वरना मैं ये घर भी छोड़ के चला जाऊंगा, मिट्ठू इस टैनी से भी उड़ जाएगा। अरे नहीं नहीं मिट्ठू, ना ऐसा ना करी, तू परेशान ना हो, मैं भी कुछ करती हूँ। हाँ तू इधर ही रहो। हाँ समझाओ उसे, बताओ ना जान ना पहचान बनी फिरती है रीमा खान। अच्छा हुआ जो तुम दोनों मुझे यही मिल गए। ये क्या तमाशा हो रहा है घर में? तमाशा? कैसा तमाशा भाभी? क्या मिट्ठू के गले में किसी ने पट्टा डाल के डुगडुगी भी नचाया है? यही जो फायजा की सहेली कर रही है मेरे मासूम से भाई मिट्ठू के साथ। भाभी मैं कुछ समझी नहीं, जरा खुल के बताए ना। हाँ हाँ तुम तो हो ही बहुत चुच्ची सी। देखो फायजा मेरा मुंह ना खुलवाओ, अगर मैं खुल गई ना तो तुम लपेट नहीं सकोगी। भाई मासूम सा है, ऐसी बातों से उसका जहन अगर उलट गया तो? जहन उलट गया तो भाभी, पहले वो कौन सा साइंसदान है? और जहन उसका उलटता है जिसका सीधा हो। बस बस ज्यादा सियाना बनने की जरूरत नहीं है, बस तुम अपनी सहेली को मना कर लो। इसकी सहेली है भाभी? हाँ तो इसी को कह रही हूँ ना, मना कर लो उसको, वरना मैं अपनी जबान में समझाऊंगी। भाभी आप तो खामखा गुस्सा कर रही हैं। हम दोनों ने तो आपका और आपकी वालदा का मसला हल करने की कोशिश की है। मसला है काहे का मसला? भाभी आपने ही तो कहा था कि मिट्ठू शादी नहीं करना चाहता, बल्कि शादी के नाम से पागल भैंसे की तरह भाग जाता है। बदतमीजी मत करो आमिर, देखो भैंसे तक तो बात ठीक है, लेकिन ये पागल क्यों कह रहे तुम मेरे भाई को? वो असल में भाभी मेरी सहेली सारा ना मिट्ठू को बहुत पसंद करने लगी, उसे बेपनाह मोहब्बत करती है और अब वो ना शादी करना चाहती है। हाय हाय वो भी साई है? देखें भाभी मिट्ठू की शादी हो जाएगी, उसका घर बस जाएगा, आपको खुशी नहीं होगी क्या? और देखें ना फिर उसके घर में 8-10 बच्चे होंगे, कुरबुल कुरबुल करते फिरेंगे, कितना मजा आएगा, रौनक लग जाएगी। सच बताऊं ये तो मेरी और मेरी अम्मी की दिली ख्वाहिश है। बस तो फिर आप मिट्ठू को किसी तरीके से शादी के लिए राजी कर दें। मैं कुछ करती हूँ, कुछ करती हूँ। मुबारक हो फायजा, बहुत जल्द हम
और ये घर डायनासोर से आजाद हो जाएगा। याला तेरा शुक्र। कभी तो करनी है ना, तो आप क्यों नहीं? देख सारा बहुत अच्छी लड़की है और तुझे पसंद भी करती है। वो तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर वो मेंटल केस हो गई, देख मैं तेरे से नाराज हो जाऊंगी। वो आपने क्या नाराज होना है? खुद आपसे नाराज हो जाऊंगा। समझ गया हूँ आपा, आप मुझसे तंग आ गई हो। आप मुझे इस घर में अब नहीं रखना चाहते, इसीलिए आपने मेरी ये शादी वाली बात की है। मेरा इस घर से पानी राशन उठ गया। मैं आज इसी वक्त आपको और इस घर को हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। अरे मिठू, मिठू, ओहो मिठू। आ गया मेरा भाई, मुझे पता था तुम उससे माफी मांगने जरूर आएगा। जुग जुग दियो, फिर क्या हुआ? पैर उठाओ, मेरे बूट दो, नंगे पैर थोड़ी जाऊंगा। मिठू, क्या बात है? अकेले भी खड़े हैं जी। तो और क्या, मल्ले वालों को बुला के यहाँ जलसा शुरू कर दूं? कितना गुस्से में क्यों रहते हो? इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम बताओ ना, जान ना पहचान और अकेले मुझसे इश्क करती फिर रही है। चलो इश्क तक तो बात ठीक थी, मेरी समझ में आती है, पर ये शादी वाली क्या फिल्म चला रही हो? ऊपर से मेरी आपा को भी बता दिया। इश्क की आखिरी मंजिल शादी होती है और बड़े खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको मंजिल मिल जाती है। मिठू, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं मर जाऊंगी। मुझे रास्ते में ही रहने दो, मुझे नहीं जाना मंजिल मंजिल पे। बात करती हो अकेली यहाँ फिरो और सोलो इश्क करती फिरो मुझसे, और इतने नाखून बढ़ाए इनको काटो। हा? बात करती है। मिठू, मिठू, चलो चला गया। जाके बताती, उसका मसला तो हल हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मिठू से शादी की बात करनी ही नहीं थी चाहिए। अब वो घर छोड़ के जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कह रहा था भाभी देखे ना उसे। ओ आमिर तुमको चुप करो ना। देखे ना भाभी, सारा ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया है। ये कहती है अगर मिठू से शादी नहीं करेगा ना तो ये अपनी जान दे देगी। किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। लेकिन मिठू, तुम मुल्तान क्यों जा रहा है? मैं मुल्तान नहीं जा रहा था, मैं कहीं गुम होने लगा हूँ। हो सकता है मैं अपनी बाकी की जिंदगी किसी मजार के बाहर गुजार दूँ। लो जी, अब तो किसी को लंगर भी नहीं मिलेगा। क्यों? सारा तो इसने खा जाना है। मिठू मुझे प्लीज छोड़ के मत जाओ। मैं कोई ऑक्सीजन हूँ? बात करती हूँ। आया हूँ आपा, मैं कभी नहीं लौट के आने के लिए। अरे मिठू नहीं, मिठू जा रहा हूँ। मिठू अब इस घर में कोई बिरयानियाँ नहीं पकेंगी। मिठू रुक जाओ, मिठू मिठू रुक जाओ। नहीं नहीं मिठू रुक जाओ, मिठू रुक जाओ, मिठू रुक जाओ। वालेकुम सारा, थैंक यू वेरी मच, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे बड़ी मदद की। अरे नहीं कोई बात नहीं, फायदा तो मेरी बहन जैसी दोस्त है, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिठू चला गया। ओहो भाभी, इसमें रोने की क्या जरूरत है?
अब देखे ना मिठू को एक ना एक दिन तो जाना ही था, वो चला गया तिया था तन पर आया वे बाबला। मैं जो हूँ आपका भाई। नहीं आमिर, वो मेरी वजह से गया है, मुझे उससे ऐसी बात करनी नहीं थी चाहिए। हाँ, मेरा मिट्टू चला गया। हाँ, मिट्टू चला गया। सॉरी भाभी, हमें नहीं पता था कि मिट्टू इतना जज्बाती हो जाएगा। देखिए ना जहान भी कितनी अपसेट हो गई है। अरे मिट्टू तो आ गया। मेरा ख्याल है मिट्टू की कुछ चीज रह गई होगी। फायदा जाओ इसे खाना बांध दो। नहीं, खाना भूना नहीं चाहिए। ओ, मैं ये कहने आया हूँ कि मैं सारा से शादी के लिए तैयार हूँ। क्या क्या? हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों, ये क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, अब तो मिट्टू भी शादी के लिए मान गया है। नहीं नहीं, मैंने इन दोनों के कहने पे ड्रामा किया था। मैं शादीशुदी नहीं कर सकती, मैं तो शादीशुदा हूँ। तुम शादीशुदा हो या शुदा शादी हो मुझे नहीं पता। अब तलाक लो, मैं शादी करूँगा तुमसे। क्या? तुम चलो मेरे साथ।